सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन तो कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गार्डनिंग भी कर रहे होंगे सो फ्रेंड्स आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं uh, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि आप किस तरीके से बहुत ही कम खर्च में फाइव हंड्रेड से भी नीचे आप अपना एक छोटा सा गार्डन मेंटेन कर सकते हैं स्पेशली जब आज के सिनारी में जो कि हमारी नीड बन चुकी है और कहते हैं ना नीड इज़ दी मदर ऑफ़ इन्वेंशन तो अगर आप इन्वेंशन भी नहीं कोई करना चाहते हैं तो छोटा सा एक गार्डन हम आस अपने ज़रूर सेटअप कर सकते हैं अगर आप टेरस पे टेरस अवेलेबल है आपके पास तो आप टेरस पे गार्डन सेटअप कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में वही आप लोगों से आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और कहते हैं कि ये तो कहते हैं इस टाइम की ज़रूरत बन गया है कि अपने आसपास प्लांट्स लगाना हम सबको पता है कि क्या सिनारीो चल रहा है कोविड का तो अपने आसपास अगर हम ग्रीनरी मेंटेन रखेंगे तो उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हेल्थ बेनिफिट्स मेंटल बेनिफिट्स और हम अपने आप को इंगेज रख पाएंगे जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारे जगहों पर अब लॉकडाउन फिर से लग रहे हैं और ऐसे में हम लोगों ने ये चीज़ें पहले भी फेस की हैं और काफ़ी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर तो हम गार्डनिंग वगैरह में अगर अपने आप को किसी भी अच्छा अगर क्रिएटिव एक्टिविटी में आप अपने आप को इंगेज रखते हैं तो आपको उससे आ... लड़ने में क्या कहते हैं मतलब उसको डील करने में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है और उसमें ही एक स्टेप हो सकता है गार्डनिंग का तो आप कोशिश कीजिएगा कि कई लोगों का बजट उतना नहीं होता है लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप अच्छा खासा गार्डन सेटअप कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास बजट भी कंस्ट्रेंट है तो भी आप मिनिमम बजट में गार्डनिंग कर सकते हो तो वही मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ और अगर थोड़ा सा भी कहीं पे आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा हो सकता है उनको भी इंस्पिरेशन मिले इस वीडियो से कि वो भी अपना गार्डन छोटा सा ही चाहे सेटअप ज़रूर कर पाए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे बहुत प्यारे से आ, ये देखो रोज़ेस खिले हैं जो मैं पहले आपको नहीं दिखा पा रही थी ये छोटी सी एक बर्ड भी है और ये पिंक कलर के रोज़ेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और और भी इसमें बडिंग हो रही है अभी बट चलिए आज आज का हमारा टॉपिक रोजेज़ नहीं है तो मैं आपको ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मिनिमम एक्सपेंस में आप किस तरीके से अपने गार्डनिंग को सेटअप कर सकते हैं स्पेशली अगर आप लॉकडाउन के दौरान फंसे हैं तो तो देखिए लॉकडाउन में अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग भी काफ़ी हद तक महंगी पड़ती है हमें अगर हम लोकल सोर्स के बजाय बात करें तो लेकिन ये है कि हमें घर बैठे चीज़ें मिल जाती हैं हमारी सहूलियत की चीज़ मिल जाती है जो हम लेना चाहते ले सकते हैं बार्गेिंग का कोई जट नहीं रहता है तो इस तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर आप अपने घर की पड़ी हुई चीज़ों से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं कोई भी अगर आपके कंटेनर मिल रहे हैं आपको घर में बड़े बड़े कंटेनर्स हमारे पास ऑयल के होते हैं हमारे पास बैग्स होते हैं जिसमें कि हम आ, आटा वगैरह लेके आते हैं उन ग्रो बैग्स को आप यूज़ कर सकते हो या बड़े कंटेनर्स अगर आपके पास ऑयल वगैरह के पड़े हैं घी के पड़े हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो या फिर छोटे कंटेनर कोई भी अगर आपके घर में आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी तरीके के प्लांट्स आप लगा सकते हो अब बात आती है कि प्लांट्स लेने कहाँ से आप अपने अगर आसपास नर्सरी नहीं जा रहे हैं तो अपने आसपास पड़ोस में पूछ सकते हैं कहीं से भी अगर आपको दिखता है किसी ने गार्डनिंग की हुई तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपके प्लांट्स को शेयर करें एंड मुझे नहीं लगता कि कोई गार्डनर ऐसा होगा जो अपने प्लांट्स किसी से शेयर करना नहीं चाहेगा क्योंकि हर गार्डनर को पता होता है कि हमें प्लांट्स मल्टीप्लाई करने चाहिए और बहुत ईजिली काफ़ी सारे प्लांट्स मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं तो हम जब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि हम उसको किसी से शेयर करें और अगर वो भी गार्डनिंग की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प से मिल सकती है तो आप इस तरीके से अपने पौधे अरेंज कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पौधे पड़े हुए हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो प्रोपोगेट कर सकते हो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अगर आप लॉकडाउन में फंसे हो और गार्डनिंग के लिए कुछ करना चाह रहे थे लेकिन आपके पास टाइम नहीं था तो अब आप, आपके पास टाइम है आप अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करके अपने गार्डन को बढ़ा सकते हो उसके साथ ये तो कंटेनर की बात होगी उसके बाद मिट्टी कहाँ से लाई मिट्टी अगर आप कोकोपीट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोकोपीट का छोटा ब्लॉक लेके छोटे छोटे ब्लॉक्स मिल जाते हैं ऑनलाइन भी और नर्सरी में भी अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास हर नर्सरी में आपको कोकोपीट के ब्लॉक्स मिल जाते हैं छोटे छोटे टू से भी कोई अगर छोटा मिल गया आपको तो हंड्रेड रुपीज़ का भी मिल सकता है और अगर थोड़ा सा बड़ा मिल गया तो टू में भी आपको कोकोपीट का ब्लॉक बहुत ईजिली मिल जाता है और अगर आप कोकोपीट नहीं लेना चाहते उसका सब्सिट्यूट है सैंड आप रेत यूज़ कर सकते हो कोकोपीट को हम मिलाते हैं क्योंकि वो मॉइस्टर होल्ड करती है और मिट्टी को हल्का बनाती है लेकिन अगर आप ओकोपीड के लिए नहीं जाना चाहते बहुत ही बजट में गार्डनिंग करना चाहते हो तो आप उसके लिए रेत ले सकते हो जो कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं वो रेत ले सकते हो आप थोड़ी सी उसको मिला सकते हो अपनी मिट्टी के बीच में मिट्टी आपको अपने आसपास ही मिल जाएगी कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर आपको मिट्टी तो मिलेगी ही मिलेगी तो थोड़ी सी कोशिश करिए अपने आसपास जाइए थोड़ी मिट्टी लीजिए अपने कुछ कंटेनर्स घर से ही कलेक्ट कीजिए और उसके बाद और आप चाहिए गाय का गोबर हमारे देश में गाय का गोबर भी बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं है आपको बस दे... कमी है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत है आपने आसपास अपनी चीज़ों को नोटिस करने की ज़रूरत है बहुत इजीली आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और स्पेशली गार्डनिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो तो देखा जाए तो गार्डनिंग बहुत महंगा सौदा नहीं है बस थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है और आपके पेशेंस का टेस्ट है पेशेंस तो अच्छा खासा हमारा लॉकडाउन ले ही रहा है तो हम अगर उसमें कुछ क्रिएटिव कर पाएँ तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता देखिए हम सबके घरों में बच्चे होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं जो कि जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस कोरोना से तो उनको सेफ रखने के लिए अगर उनके पास बाहर निकलने का विकल्प नहीं है तो उनको एंगेज रखने का भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकती है गार्डनिंग करना हमें सबको पता है कि ओल्ड एज पर्सन को स्पेशली हमें अपना टाइम देना चाहिए और उसी तरीके से बच्चे भी होते हैं बच्चों के पास तो फिर भी आजकल गैजेट्स हैं अपना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनकी लेकिन जो ओल्ड एज हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो अगर आप लोग अपने आस पास ग्रीनरी मेन्टेन करके रखेंगे तो उनका भी थोड़ा बहुत दिल लगा रहेगा और अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगी गुड वाइब्स आएंगी है ना तो ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं अपने आस ही बहुत ईजी बजट में तो अभी हमने दो चीज़ों की बात कर ली हमने कंटेनर्स की बात कर ली हमने दो तीन चीज़ों की बात कर चुके हैं हम प्लांट्स की बात कर चुके हैं और उसके बाद हम आ, मिट्टी की भी बात कर चुके हैं तो मिट्टी में अब कई बार होता क्या है कि जब हम कोबर की खाद यूज़ करते हैं तो मिट्टी में हमारी फंगस लग जाती है जो कि आ, अगर आप लोकल से ही कहीं से उठाएंगे तो काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं कि अगर आपको प्रॉपर सड़ी हुई खाद नहीं मिली तो आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है हम जनरली गार्डन में नीम खली यूज़ करते हैं जो नीम की नींबोरियाँ होती हैं उससे वो पाउडर बनता है वो हम यूज़ करते हैं लेकिन अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो नीम का पेड़ तो आपके आसपास हमेशा ही अवेलेबल होगा तो आप उसे ढूंढ सकते हैं नीम के पत्ते ये देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ ये नीम का पौधा है तो आप इसे लेकर इसकी पत्तियों को लेकर इसको छोटे छोटे पीसीज में सुखा के भी आप इसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हो अगर आपने सुखाना भी नहीं है तो आप ग्रीन मेन्यर की तरह आप इसको यूज़ कीजिए आपकी मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में हो जाते हैं प्लांट्स को खराब करते हैं उससे भी आपके पौधों को बचाएगा और आपके पौधों की हेल्थ जो है वो अच्छी रखेगा उसके बाद ये आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी में मिक्स करके ये तीन चीज़ें अगर आपने मिट्टी में मिक्स कर दी तो बहुत ज़्यादा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप बहुत ही कम बजट में अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो अब अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं तो हमें उसमें खाद पानी भी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपके किचन में बहुत सारी वेस्ट निकलती है या तो आप उनसे खाद बना सकते हो या फिर आप बायो एंजाइम बना सकते हो आप जो सिंपलेस्ट होती है आप केले के छिलकों की, की लिक्विड खाद बना सकते हैं या फिर आप वेजिटेबल्स वेज़, के जो भी छिलके निकलते हैं आप प्याज के छिलके निकल सकते हैं उनसे आप लिक्विड खाद बना सकते हो या फिर आप सब्जियों के छिलकों से मल्चिंग कर दीजिए वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे और आपके मिट्टी को न्यूट्रीशन प्रोवाइड कराते रहेंगे तो लीस्ट खर्चे में आप गार्डनिंग कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं इस वीडियो में उसके साथ साथ आप पानी तो ऑब्वियसली हमारे घर में होगा तो पानी आप वो उस तरीके से अरेंज कीजिए कि आपके प्लांट्स को पानी भी कम लगे और मेहनत भी कम लगे अगर आप एक बिगिनर गार्डनर हैं तो तो so, देखिए हम सब जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अपने आसपास ग्रीनरी मेनटेन रखना एटलीस्ट जो लोग पहले नहीं समझते थे इस चीज़ को अब वो भी जान चुके हैं तो ये सही टाइम है अगर आप लॉकडाउन में फंसे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सही टाइम है कि आप अपने आप को गार्डनिंग में इंगेज करें हमारे पास थोड़ी बहुत स्पेस सबके पास होती है गार्डनिंग करने के लिए पौधे लगाने के लिए अपने आसपास और कुछ भी नहीं करना आपको तो बस कुछ ऐसे पौधे लगा दीजिए जो एयर प्योरीफायर हो आपके आसपास जैसे कि आपका स्नैक प्लांट हो सकता है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपका स्नैक प्लांट हो सकता है आपका सिंगोनियम हो सकता है इस तरीके के पौधे अगर आप अपने आस लगा दोगे डेविल्स बैकबोन हो सकता है आपका जैसे कि ये डेविल्स बैकबोन है और ये आपका सिंगोनियम है ये देखो पीछे लगा हुआ ये एरोहेड और आपके एरिका पाम्स हो सकते हैं या फिर आपके ये मदरज लॉटंग जिसको बोलते हैं सेंसेवेरिया स्नैक प्लांट ये हो सकता है तो इस तरीके के भी पौधे लगा के आप अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हो बहुत इजी और बहुत कम खर्चे में आपकी गार्डनिंग हो जाएगी ये तो बहुत ही सस्ते प्लांट्स मिल जाते हैं मार्केट में थर्टी टू फिफ्टी रुपीज़ में आपको छोटे पाम्स के पौधे मिल जाएंगे तो बहुत कम बजट में आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हो और ज़रूर कीजिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए हर इंसान जो है आज अपनी जिनको ड्यूटी करनी है आप देख रहे हैं अपने आसपास कितने सारे मेडिकल मेडिकल फील्ड के लोग हैं या फिर लॉ मेंटेन करने वाले लोग हैं तो वो सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और आप अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से दे सकते हो अपने आसपास पास को हेल्दी रख के और इसके साथ साथ जब आप खुद गार्डनिंग करते हैं तो आपके आसपास लोग भी आपसे मोटिवेट होते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार होते हैं तो कमी अगर है तो बस वो एफर्ट्स की है थोड़ा सा एक अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है कई लोग ऐसे होते हैं कि सोचते बहुत हैं मगर कर नहीं पाते हैं तो आज ये सही समय है करने का अपने आप को मोटिवेट कीजिए और लग जाइए प्ला स लगाने में तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो इतना ही आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कहीं पर पसंद आया हो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मोटिवेशन ले सकें और अपना गार्डन सेटअप कर सकें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप गार्डनिंग और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय